कोरबा में पसान के लैंगिक क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर की सर्पदंश से मौत हो गई। झांसी से लौटा था और 13 दिन अपने पूरे कर लिए थे और क्वारंटीन अवधि पूरी कर वो कल डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था से के कारण उसकी मौत हो गई। बीती रात वो जमीन पर सो रहा था और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। आनंद फानंद में पसान PHC में उपचार के लिए भेजा गया, जहां इंजेक्शन लगने के बाद उसे पेंड्रा रिफ़र कर दिया गया। पेंड्रा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अरे 12 बजे तुरंत हमको बताए बच्चे लोग, जैसे सांप काटे तो रात के 12 हाँ बजे रात के 12 बजे मैंने तत्काल 112 को फोन लगाया, BMO साहब को लगाया फोन और पसान डॉक्टर पसाय जी को लगाया, अपने पसान तहसीलदार जी को लगाया, तहसीलदार जी से बात हुआ और तब तक 112 आ गई थी, मैंने 112 25 मिनट में यहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद सरपंच वगैरह सबको मैं बुला लिया था। सर, ये मजदूर का क्या नाम है? हाँ मजदूर का नाम है धन सिंह, पिता बुद्धमान सिंह, उम्र उम्र 25 साल, कहाँ से आया था? ये झांसी से आया था, कब से था यहाँ क्वारंटीन? ये 1/7/2020 से, ये और कहाँ का रहने वाला था? यही लंगी का, हाँ लंगी लंगी का का रहने ही वाला धनबाद था। था। अच्छा, तो क्या वो नीचे सोया था? कैसे घटना हुआ? वो उन लोगों के लिए तो बेंच रखा हुआ था सर, जैसे जब से आए थे तब से लोग 5 लोग बाद में आए थे, उन लोगों के मैं बेंच ऊपर से निकलवा दिया था, तो उसमें बेंच में सब जिन लोग सो रहे थे जब से आए थे तब से, और कल 44 जने को मैंने डिस्चार्ज किया। तो पूरे 44 बेंच में सोते नहीं थे, नहीं 44 बेंच, 44 तो ऊपर हाल में सोते थे और बगल वाला नीचे हाल ऐसे नीचे करके, सोते थे। हाँ तो ये लोग बाद में आए तो जगह नहीं था, अच्छा, और तहसीलदार के रिक्वेस्ट से इसको तो जगह यहाँ मेरे को भर्ती करना पड़ा। मैं अब वो बेंच दे दिया था कि जमीन न सोए करके, तो बेंच में सर कैसे सोते बने? या नहीं तो पांच जने तखत, थे सर, नहीं पांच तो जने थे, हाँ एक समान आदमी बेंच में कैसे नहीं सोएगा? सामान अलग या अलग, तखत दिया जाता है या नीचे ही सोने नखत दिया जाता तखत तो है? व्यवस्था अपने स्कूल में था नहीं, डेस्क टेबल था लोहे हाँ, का और लोहे का बेंच था, तो उन लोग को मैं बोला लोहे का जो टेबल ले आते तो भी ठीक है, या ऊपर में बिछा हुआ है वहाँ पर चले जाओ, तो सर बोले हम लोग नीचे में ले आते हैं सर, यहाँ बढ़िया सेटल हो जाते हैं, तो आप लोगों ने सुविधा के अनुसार कर लोहे करके उसको बोला, तो सुविधा के अनुसार से ये लोग यहाँ पर सो रहे थे। जिसको सर सांप काटा वो तो नीचे सो रहा था। अच्छा हाँ वो कल की बात है, ये अब पता नहीं सब तो बेंच में सो रहे थे, वो खाली था तो ये लोग 3 जने नीचे बगल सो रहे वाले थे। कमरे में चले गए नीचे में। भारी अव्यवस्था है लैंगिक क्वारंटाइन सेंटर में। आप प्रभारी हैं, आपने अपने अधिकारियों की इसकी सूचना नहीं दी थी क्या? सर मैं तो बोला था सर, सीट अपने सर अधिकारी लोग भी देखे हुए थे मुख्य मेरे सीट पे। अधिकारी आपका DM साहब है पौड़ी कोड़ा, क्या हाँ इन्हें जानकारी है कि बच्चे नीचे सोते थे? हम आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर के चारों तरफ जंगल है, जिसकी वजह से आए दिन स्कूल में सांप बिच्छू प्रवेश करते हैं। अगर ज़मीन पर मानसिंह नहीं सोया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रवासी मजदूर की मौत पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। पसान से जफर खान की रिपोर्ट।